Hi everyone, warm welcome. So in today's video I am gonna create this very beautiful new year look of Hina Khan, all of her outfit and makeup, which she has very new makeup with red lip and lots of blush. So let's get started with the makeup. First I am starting with the moisturizer. प्रॉपरली आपको अपने स्किन को हैवीली मॉइस्चराइज करना है अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ग्लोई डूई लगे, बिकॉज हर मेकअप वॉज सो डूई, बहुत ग्लोई था उनका मेकअप. सो मॉइस्चराइज़र हो गया, फिर मुझे ज़्यादा करेक्शन कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी. सो मैंने बस कंसीलर से ही मेकअप लुक क्रिएट किया, बहुत कम कंसीलर जहाँ पर मुझे ज़रूरत है वहाँ पर. ओके, उसके बाद मैंने हाथ से ही ब्लेंडिंग करी है. देन ब्लेंड करना है अच्छे से अपने नेक, ईयर, हर जगह. देन लूज़ पाउडर ले रही हूँ मैं, जस्ट ऑन माई अंडर आइज़ और अपनी अपर आइज़ पे यूज़ कर रही हूँ, आई लिड पे यूज़ कर रही हूँ, सॉरी. ओके, सो ये किया मैंने. उसके बाद मैं अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक एज अ ब्लश यूज़ करूँगी. या मुझे जहाँ जहाँ नीड लग रही है मैंने थोड़ा थोड़ा लूज़ पाउडर लगाया. देन मैं अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ. क्रीम ब्लश इसलिए क्योंकि आपको बहुत ड्यूई और ग्लोई सा मेकअप चाहिए, तो आप पाउडर प्रोडक्ट कम यूज़ करो. ऑन माई नोज़ एंड थोड़ा सा बचा था तो मैंने अपने आइज़ पे भी यूज़ कर लिया, बिकॉज उसकी आइज़ भी थोड़ी थोड़ी पिंक थी. ओके, सो उनके ब्राउज़ बहुत ज़्यादा डिफाइंड थे, तो फिर मैं यहाँ पे एक आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. फिर मैंने स्पूली से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया. उसके बाद मैं एक बहुत पतला विंग लाइनर कर रही हूँ, उन्होंने बहुत ही पतला आईलाइनर लगाया था. ओके, सो आप देख लो आईलाइनर एंड मेकअप मेरा कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है. फिर मैं मेबलिन की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ फॉर दैट ग्लो, यू नो, बिकॉज ठंड है एंड आप बहुत ज़्यादा ग्लो करना चाहते हो. ओके, सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक. बेस मेरा कितना अच्छा लग रहा है आप देखो. फिर मैंने एक शुगर की मिनी लिपस्टिक यूज़ करी है. मैं लिंक सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना. एंड आई एम वेरी बैड एट अप्लाइंग लिपस्टिक यू गाइस, इसलिए मैंने इसको ऑफ कैमरा अप्लाई किया. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक जो आया. आप देखो कितना ग्लोई बेस लग रहा है एंड विद द मस्कारा ऑफकोर्स. दिस इज़ माई फाइनल लुक. आप देखो मैंने ब्लश उतना ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि मतलब मुझे जितना पसंद है मैंने उतना लगाया, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लगाया हुआ था. आप अपने हिसाब से कर लेना. एंड फॉर द हेयर उन्होंने मिड पार्ट में एक बन बनाया हुआ था, फिर एक लुक में उन्होंने पोनी भी बनाई हुई थी. सो मैंने एक हाफ बन बनाया है, आपको जैसे मैंने आप वैसे बना सकते हो. ओके, देन उन्होंने ये सेम लेयर चेन यूज़ करी थी जो मैंने की है. एंड देन विद द रेड जैकेट माई लुक इज़ कम्प्लीट विद डार्क ब्लू जीन्स. एंड उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली मोनोक्रोम लुक कैरी किया हुआ था कि मुझे मन हुआ मुझे भी करना चाहिए. आप प्लीज़ 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 ये लुक कैरी करो, बी इट एनी कलर. आप किसी भी कलर के साथ एक मोनोक्रोम लुक ये वाला अचीव कर सकते हो. एंड उन्होंने स्पेक्स भी लगाए हुए थे, सो आप प्लीज़ बताना कि मैं वो लुक अचीव कर पाई भी हूँ या नहीं, बिकॉज मुझे तो ये लुक बहुत अच्छा लगा एंड मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी. आप पास से देखो मेकअप मेरा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जबकि मैंने लिटरली कुछ भी नहीं अप्लाई किया अपने स्किन पे, जस्ट कंसीलर. ओके, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक. एज यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी ये लुक. एंड विद द रेड लिप, वाओ, लाइक शी इज़ द डीवा. उन्होंने इतने अच्छे से ये लुक कैरी किया, मैं उनका 10% भी कैरी कर पाई हुई थी, तो मुझे बहुत खुशी होगी. आप प्लीज़ कॉमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और आप कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके आप ये लुक्स आप चाहते हो कि मैं रिक्रिएट करूं, सो प्लीज़ आप मुझे बताना. ये मैंने कुछ कंपैरिजन फ़ोटोज़ डाली हैं ताकि आपको पता लग पाए कि मैंने कितना तक अचीव किया है. लुक आप वैलेंटाइंस पे भी इजीली कैरी कर सकते हो, बिकॉज रेड है, यू नो. सो या
दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक। प्लीज़ आप बताओ कि कैसा लगा ये लुक, मैं कितनी अच्छी तरीके से इसको कैरी कर पाई हूँ। ऑफकोर्स उनकी तरह तो नहीं कर पाई होंगी बिकॉज शी इज़ समथिंग एल्स। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपकी, आपके सपोर्ट की। प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी क्लिक कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, एंड उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना। ओके सो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट कौन सा लुक चाहते हो कि मैं रिक्रिएट करूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे वो पिक्चर, सेलिब्रिटी पिक्चर शेयर कर सकते हो, मैं पक्का ट्राई करूंगी कि मैं रिक्रिएट कर पाऊं। सो या दिस वाज द लुक एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।